भाई बात ये है कि कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची पीठ ऊंट की। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची पीठ ऊंट की। जी हाँ, ऐसे जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस से आते हैं, एंड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका, और लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम टिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे। मुझे एक स्कूल में जाने का मौका मिला, एंड यू वॉन्ट बिलीव, वहाँ पे एक एक बच्चा, मैम हमारी क्लास में आओ, मैम हमारी क्लास में आओ, मैम आप मोनिका मैम हो ना, और उनका प्यार। और एक बच्चे ने स्पेशली भांगड़ा तैयार किया कि मैम मैंने आपको भांगड़ा करके दिखाना है। ये जो आपका प्यार है, ये एक प्रूफ है हमारे पास कि आप टिप्स ब्रॉडकास्टिंग को कितना प्यार करते हो। और यकीन मानो, मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, और जल्दी आपके स्कूल में आऊंगी। तो चलिए, जानकारी का खजाना शेयर करते हैं आपके साथ। आ जाओ जल्दी से। स्टॉप। जी बच्चों, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स आंखें बंद करके स्ट्रेट नहीं चल सकते, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स, पता क्या, जब हम ब्लाइंड फोल्ड होते हैं, आंखों पे कुछ पट्टी बांध लेते हैं, तो हम सीधा नहीं, हम सर्कुलर शेप में गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, हम स्ट्रेट नहीं चल पाते। और सबसे बड़ी बात, जब हम आंखें बंद करके चलते हैं, हम अपने बॉडी का बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए और सीधा चलने के लिए हमारी आंखों का खुला होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आप भी करके देखना, आंखें बंद करके ना चलने की कोशिश करना, आप डगमगाओगे, इम्बैलेंस होगे, और ऐसे लगेगा कि दुनिया घूम रही है। जी हाँ, लाइट शाइनिंग ब्राइट। आपको पता है, फिलीपींस में एक बर्ड है, बोया बर्ड, जिसकी पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाई है। इसको लाइट, रोशनी इतनी पसंद है कि जब ये अपने लिए घोंसला बनाता है, तो उसमें जुगनू पकड़ के लाता है और उनको घोंसले के तिनकों के साथ पिरो देता है, ताकि उसका जो घोंसला है वो टिम 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 करता रहे, रोशनी से भरा रहे। है रोशनी से जैसे भरा तिनका जरा जरा। वैसे जो रोशनी है वो पॉजिटिविटी का साइन है, इसलिए जब हम अपने घरों में आते हैं कहीं से बाहर से घूम के, बाहर अंधेरा है, लाइट ऑन करो, तो ऐसे लगता है पूरा घर रोशनी से भर गया है, जैसे कि पूरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। माय डियर चिल्ड्रन, त्यौहार आ रहे हैं, और इन त्यौहारों में हमने खूब जमकर शॉपिंग करनी है, मगर वही चीज़ खरीदनी है जिसकी हमें ज़रूरत है। इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करनी है, और कोशिश कीजिए बड़े बड़े मॉल्स की बजाय जो छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, उनसे भी थोड़ा सा सामान खरीदें। और जब भी खरीदें, तो अपने घर से लाया हुआ जो जूट का थैला है या कपड़े का थैला है, उसमें सामान रखना है, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना। आपको पता है, थाईलैंड ने से नो टू प्लास्टिक को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक काम शुरू किया है। वहाँ पे जब भी आप वेजेस लेने जाते हो मार्केट में, तो वो केले के पत्ते में सब्जियाँ आपको लपेट कर देते हैं, वो प्लास्टिक यूज़ नहीं करते। वेरी गुड, चलिए इस बार हम भी त्योहारों पे कहें से नो टू प्लास्टिक। वैसे तो इंजेक्शन लगाने से हर किसी को डर लगता है, मगर आपको पता है कि जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं, वो ऐसे थोड़ी सी मेडिसिन बाहर क्यों निकालते हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेडिसिन जब इंजेक्शन में इंजेक्ट करते हैं, भरते हैं, तो उसमें छोटे छोटे से एयर बबल्स बन जाते हैं। वो बबल्स अगर हमारी बॉडी में चले जाएं, तो हमारी बॉडी में बहुत नुकसान दे सकते हैं, ब्रेन तक वो ट्रेवल कर सकते हैं वो बबल्स। इसलिए डॉक्टर्स थोड़ी सी मेडिसिन ऐसे निकाल कर, तो वो जो एयर बबल्स हैं उनको निकाल देते हैं इंजेक्शन से, और वो इंजेक्शन हो जाता है बबल फ्री, जो कि हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। जी, प्यारे प्यारे दोस्त, अर्पिता, अंजलि, मेहरीत, पम, मिन्हास, के पॉप, जसवीर सिंह, सपना, पलविंदर कुमार, बलबीर सिंह, गुनीत, फतेह एंड सुखविंदर, थैंक यू सो मच। आपके मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और आपका प्यार काबिले तारीफ है, हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। आइए अब आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा कार में बंद हो गया है, अब कार की चाबी अंदर ही है कार के, कैसे बाहर वाले लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं गाड़ी खोलने के लिए, और उसने एंड में गाड़ी खोल भी ली। चलिए अमेजिंग वीडियो आपको दिखाती हूँ। कीप लिसनिंग टिप्स ब्रॉडकास्टिंग विद योर फ्रेंड मोनिका मेहता।
Aşağı in bakalım. Bak orada düğme var, düğme. Bak düğme var aşağıda bak. Yavrum. Başım. Ha anahtar var aşağıda bak. Anahtar. Yerde. Bak yerde. Gördün mü? Al onu. Heh al onu. Hadi bakayım. Hadi paşam. Aferin sana. Al onu. Orada sıkışık kalmasın. İnmesin oraya, inmesin. Yok. Sıkışın orada. Yanında araba anahtar olan. Aferin. Orada kalmasın. Yok kalır mı canım? Gel bakalım. Aferin sana. Güzel. Oğlum güzel. Böyle bas. O bir tarafa. Meti böyle yap. Böyle. Bak. Bas. Altına. Mete. Orayı değil be çocuğum. Mete. Bak. Mete böyle. Böyle bas. Böyle bas. Bas böyle. Anahtara bas. Bas. Böyle bas. Bas. Bak ona şimdi. Bak ona. Bak. Döndür. Bas. En alttakine. En alttakine. Mete. Bas. Mete altındakine. Bak Mete. Mete. Bak buraya Mete. Mete. Dur. Basacak o. Altındakine bas Mete, altındakine. Ha bak Mete, bak buraya. Alta bas, alta. 1, 2, 3 bak. Bas. 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 Bas çocuğum bas. Ah!